फिल्म टॉयलेट की तरह को हकीकत बयान करती भिंड लहार विधानसभा क्षेत्र की नरोल धर्मपुर पंचायत। यहां की प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना में लाखों की भ्रष्टाचारी से बेइज्जत हुए इज्जत घर भारत सरकार के घर में शौचालय बनाकर गांव शहरों में स्वच्छता की योजना को परवान चढ़ाकर भारत को शौच मुक्त करना था, लेकिन सरपंच सचिव की भ्रष्टाचारी सोच ने इस योजना में शासन की जन कल्याणकारी योजना में पलीता लगाने का काम किया है और अब खुले में शौच मुक्त अभियान की सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। सरपंच और ग्राम सचिवों ने मिलकर इज्जत के घरों में जमकर भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेला है। जहां भिंड जिला वर्ष 2018-19 में शौच मुक्त हुआ था, लेकिन इस गांव की कहानी ODF की चुगली कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव को सुविधा शुल्क नहीं दे पाने के कारण गांव के कई गरीब परिवारों को शौचालय नसीब नहीं हुआ। वो आज भी खुले शौच के लिए जाने को विवश हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं में है। शाम होते ही महिलाएं सूरज ढलने के बाद घरों के आसपास की महिलाओं को एकत्रित कर टोली बनाकर जंगल में शौच क्रिया को जाने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में स्वच्छता अभियान के तहत कागजों में एक वर्ष पूर्व ही 350 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी अनुमानित कीमत जो है 43,75,000 रुपये है। आपको बता दें कि ये राशि सरपंच सचिव के द्वारा आहरण कर ली गई। मजे की बात है कि इस गांव में 3,75,000 रुपये से सामुदायिक स्वच्छता मिशन के तहत एक सार्वजनिक शौचालय एक वर्ष पूर्व ही तैयार करवा दिया गया, मगर उसका ताला आज तक नहीं खुला है। इसके कारण उसका उपयोग न होने से बेचारा खड़े खड़े शर्म से धरती में समा रहा है। परेशान है, देखो शौचालय बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, ना तो गड्ढा बना उसका ना पाइप जुड़ा, और रास्ता भी खराब है। देखो हमारी रास्ता भी देख सकते हो आपके, अगर झूठ बोल रहे हो कि रास्ता में कितनी दिक्कत होती है हमको, बाहर जाने पड़ता है। सांप बिच्छू जे दिन निकलते ही इतने बड़े बड़े निकलते हैं सांप के, देखने में आप देख के ही रह जाओगे। और आती है लेटरिंग मेटरिंग है नैया, बहुत परेशान है हमको, छोटे छोटे बच्चे है हमारे, बहुत दिक्कत है हमको। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा गीता नाम है। कौन सा गांव है आपका? नरोल। आपके गांव में शौचालय की स्थिति बहुत दयनीय है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हमारी बच्ची अच्छी जाती है, लेडीज महिला जाती है, वहां सांप बिच्छू निकलते हैं, लेटरिन नहीं हो पाती है वे लोग, बहुत बुरी स्थिति है हमारे यहाँ लेटरिन की। प्रधानमंत्री से हमारे यहाँ सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ कागजों में कम्प्लीट है, वो यहाँ कुछ नहीं है। आपके बता आपका बताना, देख लो लेटरिन नया खे इतना इतना गड्ढा कर दिया, पैसा खा गया पहले से सरपंच ने, हमारा एक रुपया नहीं दिया, एक रुपया करे नहीं, एक रुपया नहीं दिया, हमारा सब परेशानी हम लेके बाहर जाता है। लेटरिन सही नहीं बना है हमारा। शौचालय तैयार किया गया है और आपका गाँव स्वच्छ मुक्त हो गया है जी। और यहाँ पर यह स्थिति है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहेंगे, इसमें काम सही से नहीं करवाया गया और जल्दी से ये खराब हो गया है, अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। लगभग इसको बने हुए कितने समय हो गया? एक साल हो गया है इसको। आपकी सरपंच सेक्रेटरी ने इसका मुआयना किया है? चाबी ही नहीं देते हैं वो, अभी तक खोला ही नहीं इसको। धर्मपुरा पंचायत के आप सरपंच हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अमर सिंह राजपूत। आप ये कृपया बताने का कष्ट करेंगे, इसकी लागत कितनी थी? हमें पता नहीं जी, आपके उसमें नहीं आता है? लेकिन जानकारी नहीं है। 3 लाख इसकी लागत मूल्य है। इसके ठेकेदार कौन है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के माध्यम से तैयार किया गया है। हाँ। आज इसकी स्थिति यह हो चुकी है, पूरा तो काम प्रगतिरत है ना? प्रगतिरत है। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ? क्या शुभ नाम है? जितेंद्र तिवारी।
आपके द्वारा ये इसका निर्माण कब कराया गया था शौचालय का? इसी वर्ष किया था। इसी वर्ष किया था। इसकी लागत कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख कुछ राशि है। अभी ये जनता के लिए खुला नहीं गया है? नहीं, अभी काम चल रहा है उस पर, प्रगति रहता है, पूरा पूरी तरह से उसका काम नहीं हुआ है। आपका गांव शौच मुक्त हो गया है? हाँ। कितने आपके यहाँ पे शौचालय तैयार किए गए हैं अभी वर्तमान में? हाँ, अपने कुल